हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। जो हम लोग कंटिन्यू हैं हमारे टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज पे, लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ, किसने डिज़ाइन किया, और फिर एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या होता है, और उसके बाद हम किस तरह से एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे, और इसका पार्ट टू है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें जो हम लोग इसकी दूसरी एप्लीकेशन पे बात करेंगे, जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जिनमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, जो और अपेरेंटली उनकी जो शक्ल होती है सर्किट की वो व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में देखना चाहें और व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की बच्चों कुछ कुछ पाँच चार से पाँच प्रॉब्लम्स जो है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप लोगों को हेल्प करेंगी कंपेटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है, और जो सर्किट होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो आमतौर पे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट प्रॉब्लम्स में हमारे पास अगर चार रेजिस्टर्स हों, पाँच हों, या इवन छः रेजिस्टर्स हों, या इससे ज़्यादा भी, तो उनको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, किस तरह से कर सकते हैं ये हम देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग पहली प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेट से इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो सेम, तो देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चले इसकी स्टेटमेंट जो है अगर इस तरह से मैं बनाऊँ कि इन आ आपके सामने स्टेटमेंट भी हो, ताकि इसको फिर हम लोग आसानी से आप इसको समझ सकें। इन आ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ सेम वैल्यू, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो इक्वल्स आर। ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें हमने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, अगर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी आर हो तो उस केस में फिर उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। ये देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं, तो सर्किट डायग्राम में हमारे पास इस तरह से हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, ये पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट बी, और इसमें अब हम इसको एक्स वाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ए बी और एक्स वाई दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हमारे पास ए एक्स के दरमियान में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, और फिर इसी तरह से एक रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट है वाई और बी के दरमियान में, एक रेजिस्टर ए और वाई के दरमियान कनेक्ट है, और एक रेजिस्टर एक्स और बी के दरमियान कनेक्टेड है। ठीक है, इन चारों रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो सेम है, ये गिवन है हमें इस प्रॉब्लम में, और अज्यूम करते हैं हम कि इसमें जो एक रेजिस्टर आर है, ये भी रेजिस्टर आर है, ये भी आर, और इस तरह से ये भी आर, और एक्स और वाई के दरमियान यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और इस गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो भी बाय सम हाउ आर है। ठीक है, ये कह लें कि जितनी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है इतनी ही रेजिस्टेंस वाले फोर रेजिस्टर जो है ये हमने कनेक्ट किए हैं, या इस तरह कह लें कि सारे गैल्वेनोमीटर्स हैं, एक ही टाइप के गैल्वेनोमीटर्स हैं सारे कनेक्टेड। तो इसमें आप लोग मतलब इसमें अब ये क्वेश्चन है कि इसको हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। लेट से ये इसका हाई पोटेंशियल है, और लेट से ये इसका लो पोटेंशियल है। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह का सर्किट जो है, अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या ये एक बैलेंस्ड ब्रिज है, और बैलेंस्ड ब्रिज जो है जो उसकी कंडीशन हमारे पास है R1 upon R3 equals R2 upon R4, या इसको हम यूं भी कहते हैं R1 upon R2 equals R3 upon R4। इसका मतलब ये होता है कि सिंपली और डायरेक्टली जो है ना, इसमें हम ये देखते हैं कि दो रेलेवेंट जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ये R है और ये R है, इन दोनों रेजिस्टर्स की रेशियो और इन दोनों रेजिस्टर्स की जो रेशियो है वो ये सेम हो,
तो इसका मतलब है कि ये ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड है, या फिर इन दोनों की या इन दोनों की रेशियो बैलेंस हो, एक जैसी हो, तो हम कहते हैं कि ये जो सर्किट है ये बैलेंस है। अब यहाँ भी बच्चों हम देखते हैं, तो ये जो रेजिस्टर है ये आर है, ये भी रेजिस्टर आर है, तो दोनों रेजिस्टर्स की रेशियो और इस आर की रेशियो भी देखें तो सेम है, आर ओवर आर इज़ वन, आर ओवर आर इज़ वन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चों सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये होती है जो हम देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी ज़ीरो, राइट। तो एक तरह से ये जो हमारे पास इसमें से हम इसको निकाल देते हैं कि यहाँ पर जो है वो चूंकि इसमें से करंट ज़ीरो है, तो ये इस तरह से ये है जैसे यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है। तो अगर यहाँ पे करंट आता है ए पर, तो करंट ए से आर की तरफ जाता है, एक्स पे पहुँचता है, और फिर यहाँ पे करंट जो है वो वाई पे आता है, तो एक्स से करंट बी पे चला जाता है, वाई से बी, इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो गैल्वेनोमीटर यानी बैलेंस्ड ब्रिज है, तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो ज़ीरो है, तो आप उसको निकाल दें दरमियान से। अब देखें उसको निकाल के हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन में बच्चों ये जो आर है और ये जो आर है ये दोनों सीरीज़ में है, राइट। अब ये आर है और ये दूसरा आर है, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये वाला आर और ये वाला आर, ठीक है। तो यहाँ से करंट इधर से जाएगा, ये वाला करंट इधर से, तो ये वाला जो आर है ये दूसरे आर के साथ बैलेंस्ड है, और यहाँ से फिर इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। अब जो ये आर है और ये आर है, इस तरह ये आर और ये आर, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं, इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बनेगी 2R। यहाँ पे दोनों को सीरीज़ में ऐड करेंगे तो R प्लस R 2R, और इस तरह हमारे पास ये R और ये R दोनों बैलेंस्ड होंगे, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी 2R। अब इसका मतलब है कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, और इस बैलेंस्ड ब्रिज में हमारे पास ये भी 2R, ये R और ये R 2R, ये R और ये R 2R, तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस जो हैं वो हमारे पास बन गए, हर एक की वैल्यू 2R है। तो पैरेलल सर्किट में हम लोग किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसमें 1 ओवर आर ई करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2R प्लस 1 ओवर 2R, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो इसका एलसीएम 2R लेंगे, 1 प्लस 1, द आंसर इज़ 2 अपॉन 2R, 2 से 2 कैंसिल होगा, सो वी विल गेट दिस इज़ 1 ओवर आर। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 1 ओवर आर ई, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू आर ओम, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, चारों की वैल्यू सेम है, और ये बैलेंस्ड ब्रिज है, तो इसका मतलब है कि इस इन चारों रेजिस्टर्स की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू आर ओम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, इसी तरह से मिलता जुलता इसको रिमूव करते हैं। तो ये जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसके हवाले से जो ये बड़ा मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको हम कह सकते हैं। इस तरह जो अगर हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम हम लेते हैं और उसमें जो हम लोग ये जो रेजिस्टर्स है इनकी वैल्यूज़ को जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज दोबारा से बना लेते हैं, ये ए है और ये बी है पॉइंट, और ये एक्स है और ये वाई है। तो हमारे पास ये रेजिस्टर कनेक्ट किया हमने ए और एक्स में, और फिर ये रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया वाई और बी के दरमियान, फिर एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हमने ए और वाई के दरमियान, और एक रेजिस्टर कनेक्ट किया एक्स और बी के दरमियान, ठीक है। दरमियान में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू है, वो गैल्वेनोमीटर है या कोई रेजिस्टर है। तो पॉइंट ए जो है ये हाई पोटेंशियल और पॉइंट बी जो है ये लो पोटेंशियल, और उसके बाद ये जो हमारे पास रेजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास 4 ओम है, ये 8 ओम है, और ये हमारे पास 6 ओम और ये 12 ओम, ठीक है। अब जो ये हमारे पास एक सर्किट प्रॉब्लम है, इसमें वो कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस, ठीक है। अब इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी या हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कंडीशन के क्या ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और इसमें ये कोई रेजिस्टर आर है, वैल्यू इज़ नॉट गिवन, गिवन भी हो या ना हो गिवन, वैसे 10 ओम जो है वो दी हुई है यहाँ पे, चलें
तो पहले हम देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो बैलेंस के लिए जो हम ये देखते हैं, ये 4 ओम है, ये 8 है, तो हम ये देखते हैं कि 4 ओवर 8 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इसकी रेशियो, और इस तरफ हमारे पास है 6 ओवर 12, तो 6 ओवर 12 जो है दैट इज़ ऑल्सो 1 ओवर 2, सो 1 ओवर 2 इक्वल्स 1 ओवर 2। हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब अगर ये बैलेंस्ड है तो जो ये जो रेजिस्टर दरमियान में कनेक्ट है 10 ओम, अब ये रेजिस्टर जो है इसको हम निकाल भी सकते हैं, मतलब इसमें जो करंट है वो ज़ीरो है, तो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे ये सर्किट में नहीं है। उस केस में हमारे पास फिर बच्चों ये जो 4 ओम है और ये जो 6 ओम है ये दोनों सीरीज़ में हैं, और ये जो 8 ओम है और ये जो 12 ओम है ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो 4 प्लस 6 अगर हम करेंगे तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 10 ओम होगी, और 8 और 12 दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये होगी 20 ओम। तो हमारे पास बच्चों फिर इस तरह से है कि ये दो रेजिस्टर्स हो गए, एक रेजिस्टर हो गया 10 ओम और दूसरा रेजिस्टर जो है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, वो हो गया 20 ओम, और फिर इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ हाई और लो। अब इसकी जो इक्विवेलेंट होगी वो भी पैरेलल के मेथड से हम फाइंड करेंगे, सो 1 ओवर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 20, सो द एलसीएम इज 20, 2 प्लस 1, सो वी गेट दिस इज 3/20। तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट की हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 20/3 ओम। तो इस पूरे इन चारों रेजिस्टेंस की 4, 6, 8, 12 ओम इन इस सारे ब्रिज सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 20/3 ओम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बैलेंस्ड हैं, जैसे ये 4 और 8 और ये 6 और 12, तो इसका मतलब है कि बैलेंस्ड ब्रिज वाली कंडीशन लगाकर हम वहाँ से इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास थी सेकेंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट करते हैं एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये तो दो प्रॉब्लम्स जो ऐसी थी जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं उनको जब हमने कनेक्ट किया है तो उनकी जो अपेरेंट फॉर्म है वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली बनती है। लेकिन अब मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि जो सर्किट है उसकी जो अपेरेंट फॉर्म है वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली नहीं है। ठीक है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इसमें कोई 5 रेजिस्टर्स हैं, लेट्स से जो हमारे पास 5 रेजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर की वैल्यू 4 ओम है, ये हमारे पास एक दूसरा रेजिस्टर है, फिर यहाँ पे दरमियान में एक रेजिस्टर हम लगाएंगे, इसकी वैल्यू 10 ओम है, दिस इज़ 4 ओम, दिस इज़ 4 ओम, दिस रेजिस्टर इज़ 10 ओम, फिर हमारे पास इस तरह से एक रेजिस्टर है, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है 4 ओम और 4 ओम, और यहाँ पे इसको हम आपस में जो है ये कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से फिर हमारे पास इन दोनों एंड्स को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरफ हो गया पोटेंशियल ए, हाई पोटेंशियल, और इस तरफ हो गया लो पोटेंशियल, पॉइंट बी नेगेटिव लो पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल। तो इस केस में जो अगर कहा जाता है कि हमें कि इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें, तो बच्चों इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अपेरेंटली सर्किट में हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे। तो अगर आप इसमें एग्जामिनेशन में हम ये भी देखते हैं कि अगर ये 5 रेजिस्टर्स हैं, 4, 5 या 6 रेजिस्टर्स हैं, तो आपने इस तरफ भी सोचना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो सकता है। ठीक है ना, 4, 5, 6, बल्कि मोस्टली 5 और 6, 4, 5, 6 रेजिस्टर्स मोस्टली व्हीटस्टोन ब्रिज से इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो अब ये देखें जो अपेरेंटली तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसकी फॉर्म नहीं बन रही, मतलब नज़र नहीं आ रहा कि जैसे एक ब्रिज सर्किट हो, लेकिन एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप देखते हैं इसमें जो हम लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट को मैं एक्स ले लेता हूँ और इस पॉइंट को वाई ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक्स और वाई कंसिडर करते हैं तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में चेंज करेंगे। अब देखें जो ये जो पॉइंट है ये ए है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसको मैं ए ले लेता हूँ, कि ये पॉइंट ए है, तो इट मींस कि ये भी पॉइंट ए है और ये भी एक तरह से पॉइंट ए है, यानी जो पोटेंशियल यहाँ होगा वी वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए। इस तरह ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी को हम इसको भी पॉइंट बी ले सकते हैं और कहेंगे कि ये भी हमारे पास पॉइंट बी है, क्योंकि ये पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये बी हैं। अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि ये पैरेलल है।
अब देखिए इसको अपेरेंटली अब देखना ज़रा आसान इस तरह से हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं उसमें जो इस तरह से हमारे पास चार पॉइंट्स हम लेते हैं, जिसमें एक ए है और बी है, फिर एक एक्स है और वाई है। अब यहाँ पे आप रेजिस्टर्स जो है इसको जो है वो कनेक्ट भी कर सकते हैं साथ साथ उधर से देख कर। देखें इस तरह से कि एक रेजिस्टर ए और एक्स के दरमियान कनेक्ट होता है, ये आप देखिएगा ज़रा, ये एक रेजिस्टर ए और एक्स के दरमियान कनेक्ट हुआ। इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है? 4 ओम। ठीक है, अब आप इस पर टिक भी कर सकते हैं कि ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ 4 ओम। अब एक रेजिस्टर जो है वो ए और वाई के दरमियान कनेक्ट है, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये रेजिस्टर कनेक्ट हो गया। इस रेजिस्टर की वैल्यू जो है ये 4 ओम है, तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टर भी कनेक्ट हुआ। एक रेजिस्टर है 10 ओम, वो एक्स और वाई के दरमियान कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये रेजिस्टर है इसकी वैल्यू जो है ये 10 ओम है, और ये वाला रेजिस्टर है एक्स और वाई, ये भी कनेक्ट हुआ। फिर एक एक्स और बी के दरमियान है, तो वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट है एक्स और बी, तो यहाँ पे रेजिस्टर आ गया 4 ओम और ये भी कनेक्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टर बचा वाई और बी के दरमियान, तो ये वाई है, और इस तरह से यहाँ से बी आ गया, तो ये आ गया 4 ओम। अब ए जो है ये हाई पोटेंशियल और बी जो है ये वाला पॉइंट जो है ये लो पोटेंशियल। तो आप देखें कि ये जो सर्किट है ये एक्चुअली इसकी ये वाली फॉर्म बनती है, और ये जो फॉर्म है ये ब्रिज सर्किट, या आप कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ये जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको अगर इस तरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब जो इसकी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें पता है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये एक बैलेंस्ड ब्रिज है या नहीं। तो बैलेंस्ड के लिए जो हम देखते हैं कि ये 4 ओम, ये 4 ओम, 4/4 1, और फिर ये 4 और ये 4 1, तो 1 = 1, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है। तो बैलेंस्ड ब्रिज मीन्स कि अब इसमें ये जो रेजिस्टर है इसको हम एक तरह से यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और फिर हम इसकी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट इस तरह से कि जो ये 4 और 4 दोनों मिलकर दोनों सीरीज़ में हैं, तो ये 8 ओम, और ये 4 और ये 4 ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इन दोनों का सम जो है ये 8 ओम होगा। तो ये हमारे पास ऐसे ही है कि जैसे हमने 8 ओम और 8 ओम के दो रेजिस्टर जो है ये कनेक्ट किए हैं पैरेलल, राइट। तो ये हमारे पास दो रेजिस्टर्स हो गए 8 ओम 8 ओम, और ये दोनों पैरेलल हैं, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। अब इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/8 + 1/8, सो द एलसीएम इज 8, 1 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से जो हम इसमें 1/RE है, तो इसका मतलब है कि जो RE है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ओम। तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी 4 ओम। ठीक है बच्चों, तो अपेरेंटली आपने देखा कि ये जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, लग नहीं रहा था वैसा, लेकिन जब हमने उसको प्लॉट किया तो वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज बना, और जब वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना और वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना, तो वहाँ से हम लोगों ने इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम नंबर 3 थी। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर फोर, उसकी सर्किट डायग्राम। तो ये दो प्रॉब्लम जो अभी मैंने की और जो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, ये दो इस तरह से मैंने चूज़ की कि इनकी जो शक्ल है अपेरेंटली जो सर्किट डायग्राम है ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ना हो। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है इस तरह से कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, लेट्स से ये एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर की वैल्यू है R, स्मॉल R ले लेते हैं इसको, और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट के साथ, और यहाँ पे भी हम रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, इस रेजिस्टर की वैल्यू भी R है, और यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, इस रेजिस्टर की वैल्यू भी R है। ठीक है, तीन रेजिस्टर हो गए। इसके अलावा हम दो रेजिस्टर्स और लेंगे और उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो लेट्स से जो हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टर है, और इस रेजिस्टर को, और फिर यहाँ से हम लोग एक रेजिस्टर लेते हैं, इसको आपस में कनेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू भी R है और इसकी वैल्यू भी R, और यहाँ से ये जो सर्किट है वो कनेक्टेड है इस तरह से। ये वाला जो है वो हमारे पास पॉइंट A है, और ये वाला जो है जो ये पॉइंट B है।
तो आप इसमें सबसे पहले आप देखें कि इसकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका मतलब जैसी नहीं है। अब यहाँ पर जो एक हिंट है कि ये जो सर्किट है इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो सकती है व्हीटस्टोन ब्रिज से, उसका एक हिंट जो है वो जो हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स इसके हम देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स हैं वो 4, 5, 6 तक हों तो वो पहला हिंट जो है वो हमें मिलता है कि ये जो सर्किट है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बच्चों अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, यानी अगर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में इस सर्किट को लेके जाएं, अपेरेंटली हमें नज़र भी वैसे ही आए, तो उसको फिर हम बनाते हैं। उसके लिए हमें चूज़ करना होगा एक्स और वाई। तो यहाँ जो एक्स और वाई मैं इस तरह चूज़ करता हूँ कि एक्स और वाई जो है इस पॉइंट को एक्स ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास वाई है। तो अगर इसको एक्स और वाई ले लें और इसका इक्विवेलेंट हम बनाएं कि इस तरह से हमारे पास ए बी एंड एक्स वाई अगर मैं बनाऊं, ये पॉइंट ए ले लूं, ये बी और ये एक्स और ये वाई, तो अब देखें इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये है ए और ये एक्स, तो ए और एक्स के दरमियान एक रेजिस्टर कनेक्टेड है आर, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं और फिर यहां पे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो इस रेजिस्टर की वैल्यू है आर। ठीक है, इस तरह जो अगर मैं देखूं ए और वाई अगर मैं देखूं यहां से, तो ये ए है और ये पॉइंट वाई है, तो ये वाला रेजिस्टर आर जो है ये ए और वाई के दरमियान कनेक्टेड है, तो इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, ये रेजिस्टर भी आर है। उसके बाद हम देखते हैं जो कि हमारे पास है एक्स और बी, ये एक्स और बी टर्मिनल्स हैं, तो एक्स और बी टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टर कनेक्ट है आर, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये जो एक्स और बी के दरमियान कनेक्ट हो गया इसकी वैल्यू भी आर है। फिर हमारे पास है बी और वाई, तो ये बी है और ये वाई है, तो इसको जो बी और वाई को हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया बी और वाई, राइट, इसकी वैल्यू जो है ये भी आर है। और एक रेजिस्टर हमारे पास बच गया विच इज़ आर, विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ए को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव एंड से और बी को कनेक्ट किया है नेगेटिव एंड से, यानी ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल, यानी आप यूँ कह लें कि बैटरी जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे कुछ इस तरह से। तो अब ए और बी के दरमियान एक रेजिस्टर लगाएंगे, तो लेट्स से कि ये जो रेजिस्टर है वो यहाँ कनेक्ट है और ये आर है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये वाला हमारे पास जो बन गया, और ये देखें कि यहाँ पर ए जो है ये पॉजिटिव कनेक्टेड है एंड से और ये नेगेटिव से, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हमारे पास इस तरह से बनता है। और इस सर्किट से हम आसानी के साथ जो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के दरमियान, आप देखें तो ये आर और ये आर ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये दोनों आर जो हैं ये सीरीज़ में हो तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2R, ये हमारे पास 2R है आर और आर, और फिर ये हमारे पास आर है, एक रेजिस्टर आर कनेक्ट है यहाँ पे पॉइंट ए और बी के दरमियान, और फिर हमारे पास ये आर और ये आर ये दोनों सीरीज़ में है तो ये भी हमारे पास बनेगा 2R। तो इस तरह से तीन रेजिस्टर्स हो गए पैरेलल में और तीनों रेजिस्टर्स जो है ये कनेक्टेड हैं ए के साथ, और इस तरफ ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं बी के साथ। ठीक है बच्चों, तो अगर ए को पॉजिटिव एंड से और बी को नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया हो तो ये तीनों जो है ये पैरेलल हैं, और इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो 1/RE = 1/2R + 1/R + 1/2R, तो इसका एलसीएम लेंगे आप 2R विच इज़ 1 + 2 + 1, दिस इज़ इक्वल्स टू 4/2R, तो 4/2R, 2 से 2, 4 कैंसिल, दिस इज़ 2/R, और RE लेंगे हम, ये तो 1/RE है तो RE लेंगे हम तो दैट विल बी इक्वल टू R/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं तो वो हमारे पास जो बनती है R/2। तो अपेरेंटली तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये सर्किट, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लगी हैं, लेकिन जब हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में लगाते हैं तो फिर हमारे लिए इसको कैलकुलेट करना है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, सिंपल, तो आप इसको भी एक्स कह सकते हैं, इसको वाई कह सकते हैं, तो आप इसमें नाम लिख के इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने चूज़ की कि आप लोगों के साथ इसको
सॉल्व करूं। अब आई होप कि ये आपको समझ आ गया। ऑलराइट, एक और प्रॉब्लम जो है इसको हम सॉल्व करते हैं जी। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये जो आपके सामने मैं बनाता हूँ इसका सर्किट डायग्राम नंबर 5। ये इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। चलिए, अब ये है बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम इस तरह से कि हमारे पास 5 रेजिस्टर्स हैं और उसको हमने कनेक्ट किया है एक सोर्स के साथ। लेट्स से जो कि हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं इस तरह से, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और ये कनेक्ट है दो पॉइंट्स के दरमियान। इस रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, सब की वैल्यू 2 लेंगे, ये ए है ये बी है, तो इस रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है। यहाँ पे जो दो रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और यहाँ से कनेक्टेड हैं, ये रेजिस्टर भी 2 ओम और ये वाला रेजिस्टर भी 2 ओम, ठीक है, दो रेजिस्टर्स हो गए। और इस तरह से फिर दो रेजिस्टर्स हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये एक रेजिस्टर और ये दूसरा रेजिस्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 2 ओम है और इस रेजिस्टर की वैल्यू भी 2 ओम है, और फिर ये दोनों रेजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए और ये हमारे पास पॉइंट बी, ठीक है, इसमें ये जो हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस तरह भी कह सकते हैं, यानी इसको हाई पोटेंशियल कह लेते हैं और इसको लो पोटेंशियल जो है वो कह लेते हैं, ठीक है, या उसको वी वोल्ट कह लें और इसको हम 0 वोल्ट कह लेते हैं, जो भी हम कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एक सर्किट है, अब इस सर्किट में अगर ये एग्जाम में आता है और हमसे कहते हैं कहा जाता है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो इसमें जो एक हिंट जो हमारे पास है वो हिंट ये है कि हमें ये पता है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टर्स लगे हैं, तो ये हिंट बच्चों हमें पता मतलब यहाँ से बताता है कि इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में, यानी इसको एक ब्रिज सर्किट की फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। और उसमें फिर हमने चूज़ करना है एक्स और वाई को, तो यहाँ पे जो मैं इस पॉइंट को एक्स लेता हूँ और इस पॉइंट को वाई ले लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली। अब इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में अगर इसको चेंज करें तो हमारे पास जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं ए बी एक्स एंड वाई, ये ए हो गया ये बी हो गया, राइट, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊँ अगर, तो ये हमारे पास बी हो गया ये ए हो गया और ये एक्स है और ये वाई। अब हमारे पास ए भी है बी भी है एक्स भी है और वाई भी है, जस्ट अब हमने इसको अरेंज करना है कि जो रजिस्टर जहाँ पे आए वहाँ पे उसको उसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो देखें बच्चों, अब हमारे पास ये ए है और ये पहले ए और एक्स में करना है, तो ये देखें कि यहाँ से जो आप लोग देखें कि ये एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, अगर मैं इधर से यहाँ पर आऊँ तो ये ए और एक्स के दरमियान ये वाला रजिस्टर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टर है इसको जो मैं कनेक्ट कर देता हूँ ए और एक्स के दरमियान और इस रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, ठीक है। उसके बाद जो मैं देखता हूँ ए और वाई के दरमियान, तो यहाँ से आप देखें ये ए है ये वाई है, तो इधर से अगर मैं आऊँ तो ए और वाई के दरमियान ये वाला रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो अगर इसको मैं अरेंज करूँ तो ये हमारे पास रेजिस्टर ए और वाई के दरमियान आ गया, ये 2 ओम हो गया, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद जो हमारे पास है बी एक्स, ये हमारे पास बी एक्स इसके दरमियान जो हम लगाएंगे, अब आप देखें ये बी है और बी से अगर आप आ जाएं यहाँ से तो ये एक्स है, तो एक्स से बी तक अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक रेजिस्टर आता है, तो बी से अगर मैं चलूँ और एक्स तक आऊँ तो ये वाला रेजिस्टर आता है, तो इसमें इट मीन्स कि बी और एक्स के दरमियान एक रेजिस्टर आएगा और इस रेजिस्टर की वैल्यू भी 2 ओम है। और उसके बाद वाई बी या बी वाई, तो ये देखें ये बी है और यहाँ से मैं आऊँ तो ये वाई है, तो ये जो बी और वाई के दरमियान एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 2 ओम है, तो यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इस रेजिस्टर की वैल्यू भी 2 ओम है। और एक रेजिस्टर हमारे पास बचा बच्चों, दैट इज़ 2 ओम, ये वाला रेजिस्टर अगर इसको देखें तो ये ए से अगर मैं चलूँ और यहाँ आऊँ बी तक, तो ए से चल के जब बी तक आते हैं तो फिर हमारे पास ये रेजिस्टर आता है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। तो अगर ये हमारे पास B है तो एक रेजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से A और B के दरमियान, इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है ये भी 2 ओम है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप देखें तो ये इसकी ये वाली एक फॉर्म ब्रिज वाली फॉर्म जो है ये इसकी बन गई।
अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना इस फॉर्म में बहुत इजी हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो, तो हमारे पास जो है ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं, यहाँ से करंट इस तरफ, तो ये सीरीज़ में बनी, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो बनी 4 ओम, फिर ये 2 ओम और इस 2 ओम और इस 2 ओम की जो इनकी जो इक्विवेलेंट है दैट इज़ ऑल्सो 2+2 दैट इज़ इक्वल्स टू 4 ओम। तो हमारे पास ये इस तरह हुआ कि ये जो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स बन गए, एक हमारे पास बन गया 4 ओम जो कि 2 और 2 का सम हुआ, फिर हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ गया विच इज़ 2 ओम, और फिर हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बन गया विच इज़ ऑल्सो 4 ओम। ये तीनों जो हैं ये कनेक्टेड हैं एक कॉमन टर्मिनल से, एक कॉमन पॉइंट से, ये ए है और ये बी। तो अब हम इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देखें यहाँ से, तो 1/RE = 1/4 + 1/2 + 1/4, तो LCM बना 4 1+2+1 दैट इज़ इक्वल्स टू 4/4। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी बनेगी दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट था उसको हम लोगों ने एक ब्रिज की फॉर्म में चेंज करके उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाई। तो इस तरह जो ये 5 रेजिस्टर्स हैं कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्बिनेशन फिर इस फॉर्म में आए, हमने ड्रॉ किया और फिर उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। और राइट बच्चों, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये मैंने चूज़ किए व्हीटस्टोन ब्रिज वाले टॉपिक से, और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं जो एमकैट और ईकैट हैं उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करने वाला। तो इन केस के अगर 4, 5, 6 रेजिस्टर्स हों इस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, तो आपने इस तरफ देखना है, सोचना है कि अगर वो ब्रिज की फॉर्म बन सके तो उस ब्रिज की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं तो फिर उसके लिए कोई और टेक्निक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप टुडेज़ लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, इसको इस एंगल से भी देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में लिखें कि आपको ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इससे कितनी प्रैक्टिस हुई आप लोगों की, कितना जो आप लोग जो है डिफरेंट तरह से आपने सोचा कि ऐसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो सकती है, राइट। और कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो अभी भी आपके माइंड में तो उसको भी ज़रूर आप लोग मेंशन करें, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।